बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। 44 साल की उम्र में भी सुष्मिता ने अपनी बॉडी एकदम फिट और सेक्सी रखी हुई है। सुष्मिता सेन भी इन दिनों लॉकडाउन के चलते सेल्फ आइसोलेशन का पालन करते हुए अपने घर में अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। घर में रहते हुए भी सुष्मिता काफी एक्टिव रहती है। वो आए दिन सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोस अपने फैंस के लिए पोस्ट करती रहती है। सुष्मिता सेन एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। चाहे छोटी उम्र में सिंगल पेरेंट बनने का डिसीजन हो या फिर अपने से छोटे उम्र के लड़के को डेट करना, सुष्मिता ने अपनी जिंदगी में हर चीज को काफी ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया है। इसी बीच सुष्मिता सेन ने खुलासा किया कि वो 6 साल पहले एडिसन नाम की बीमारी से ग्रस्त थी। साल 2014 के सितंबर में उन्हें पता चला कि वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन से पीड़ित है और उन्हें लगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। इस बात की जानकारी फैंस को खुद सुष्मिता सेन ने दी। हाल ही में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुष्मिता सेन वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को YouTube पर शेयर करते हुए सुष्मिता सेन एक लंबा पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए सुष्मिता ने अपनी बीमारी के बारे में बताया है। अपने पोस्ट में उन्होंने अपनी एडिसन बीमारी के बारे में बताया। सुष्मिता सेन ने बताया कि इस बीमारी के चलते उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया था। सुष्मिता सेन ने वीडियो शेयर करते हुए बताया, सितंबर 2014 में जब मुझे पता चला कि मैं ऑटो इम्यून कंडीशन से पीड़ित हूँ, जिसे एडिसन बीमारी कहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इससे कभी नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा शरीर उस वक्त निराशा और नेगेटिविटी से भर गया था। उन्होंने लिखा, मेरी आंखों के नीचे हुए काले घेरे 4 साल तक अंधेरे में बीते वक्त के बारे में कुछ बता नहीं सकते। स्टीरॉयड लेना और फिर इसके असंख्य दुष्प्रभावों को झेलते हुए जीना बहुत मुश्किल था। इस तरह की बीमारी के साथ जीना सबसे मुश्किल था, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत हुआ। मुझे खुद के दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ करना था जो मेरी बीमारी से लड़ने में मदद करे। इस वीडियो में सुष्मिता सेन अपनी नान चाकू स्किल दिखाते हुए नजर आई। वीडियो शेयर करते उन्होंने बताया कि स्किल ने बीमारी से लड़ने में उनकी मदद की। वक्त के साथ मेरी बीमारी ठीक हो गई और अब मुझे स्टीरॉयड लेने की जरूरत नहीं है। साल 2019 के बाद से मेरी ऑटो इम्यून कंडीशन में भी सुधार हुआ है। साथ ही सुष्मिता सेन ने अपने चाहने वालों को एक सीख भी दी है, आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा अपने शरीर की बात सुने। हम सबके अंदर एक वॉरियर है, इसलिए कभी भी हार ना माने। सुष्मिता का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। वाकई में सुष्मिता का ये पोस्ट काफी मोटिवेशनल है। सुष्मिता सेन के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।